एक बात कहूँ माँ, ऐसी बात अगर तू कहे तो मैं भैया को स्टेशन तक छोड़ा। हाँ बेटा तू छोड़ कर, मैं अभी भैया का सामान लेकर। हाँ अच्छा जल्दी लेकर। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत चिंता में हैं। क्यों नहीं बेटा, लेकिन बाबू हाँ बेटा चिंता मत करिएगा, मैं परदेश जा रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ यहाँ रहकर कितना भी काम करता हूँ सिर्फ खाने के लिए ही होता है। हाँ बेटा अमृत की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसीलिए सोचता हूँ वहां जाऊंगा तो कोई अच्छा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे अरे अमृत तू हमको परदेश भेज रहा है या जानू, इतना सारा सामान और क्या भैया। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊंगा। भैया अभी आप नए नए परदेश जा रहे हैं, परदेश पहुंचते ही आपको तुरंत तो नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए इस बैग में आपके कपड़े हैं और इस बैग में आपके खाने का सामान है और इस बैग में आपके बाकी का सामान है। अरे अमृत कितना ख्याल रखता है तू हमारा, आखिर आप मेरे लिए ही तो परदेश जा रहे हैं भैया। अमृत लेकिन तेरा सामान तो ठीक है लेकिन वो साला लेके आ गया भैया, अब इसको कैसे ले जाऊं। भैया यही माँ आपके लिए लेके आए हैं, आटा है, चावल है, अरहर की दाल है, सरसों का तेल है। पता नहीं परदेश में जाओ भैया पता नहीं कितने दिन काम लगे या ना लगे, कम से कम सीधा पानी तो रहेगा खाने के लिए। यार सब सामान इसमें भरा हुआ है। अरे भैया तुम लेके आए हो। हाँ भैया पैसे होते तो दे देते, कुछ किराया हो जाता। पैसा ये सामान तो पैसा भैया हम पर्स में भुला के लेके आई। अरे अब रहने दे रहे, रहने दो, इसको रख दे यार नहीं तो तुझे साथ चलना पड़ेगा। ना भैया हम कहा ले जाओ, हम कहा खुद बहुत काम रहा था। तो ठीक है इतना सामान काफी है। ठीक भैया कल ही जाते हैं। आइए ठीक है भैया। अब तू ये सामान लेकर चल, हम गांव वालों से और माँ बापू से कुछ बातें करके आते हैं। बेटा तू चिंता मत कर माँ, तेरे दो बेटे हैं, यही समझना कि एक बेटा मेरा परदेश में है, मैं वहां पहुंचते ही आप लोगों के नाम पत्र जरूर भेजूंगा। हाँ बेटा पहुंचते ही खत जरूर लिख देना। हाँ माँ और तू अपना ख्याल रखना बेटा। माँ मैं तो अपना ख्याल रखूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र तो मुझे आप लोगों की रहेगी कि जब आज मेरा वक्त आया कि मैं आप लोगों की सेवा करूं तो आपको छोड़कर हमको इतनी दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन माँ भाई की पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े, और तू तुझ जैसी माँ तो भगवान सारे संसार को दे। इसलिए तुम बेटा मैं दिन रात भगवान से ही दुआ करती हूँ कि भगवान मेरी उम्र दोनों बच्चों को लग जाए। माँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, ये जीवन जितनी भी बार मिले सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। हर जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार।
छुआ दो से हम बंधे हुए हैं जन्मों से लोगों को छोड़ दे। तुम्हें खेत जाना है, जाइए अब खेत पर। ठीक है, मैं अमृत के आने का इंतजार करती हूँ। चलो रामा हो रामा हो रामा हो हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए भूल न जाना
जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, लोगों की ले जाना, ले जाना सबे, ले जाना संदेश। हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हेलो हेलो, आगे रामपाल, रामपाल खेरावा के रहने वाले हैं। उस सीन को देखते हैं और सीन के गीत में खुश होकर 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। अभी स्टेशन और दूर है, थक गए क्या भैया? इतनी दूर से मैं इतना सारा सामान लेकर चला रहा हूं। हाँ, और आपने एक भी बार नहीं कहा कि अमृत ला एक बैग, मैं भी ले लेता हूँ। अमृत, मैं गांव वालों के प्यार में इतना डूब गया था कि सब कुछ भूल गया था। भैया, ऐसा लगता है जैसे आप सदियों से परदेश में ही रहते हो। नाराज मत हो अमृत, चलो आप आ गए हैं, चलो हम। ए भैया, ये रहा आपका सामान, और स्टेशन भी नजदीक आ गया। आप परदेश जाए या ना जाए, ये अमृत तो अपने गांव चला। ए अमृत, नाराज हो गए? कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है, वो समझता होगा कि हम इतना सामान स्टेशन नहीं ले जा पाएंगे। अरे अमृत, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, इस सामान को अभी ले जाऊंगा। अमृत जानता था कि हम यह सामान नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए नाराज होकर चला गया। हे अमृत, अरे अपने भाई की मदद के लिए एक बार आ जा, तो भाइयों में तो ऐसा हुआ करता है। अमृत, हे अमृत, भाई भाई में ऐसा ही होता है, होता है, ऐसा होता है, भाई भाई में ऐसा ही होता है, होता है, ऐसा होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, मेरा रोता है, हो प्यार भाई में ऐसा ही होता है, होता है, ऐसा होता है।
नजर जो लगे तो उतार दूं, तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। आंख तेरी चल के तो दिल ये मेरा रोता है, हो चोट लगे तुझको, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता, हो प्यार भाई में ऐसा ही होता है, होता है। अबे गुटका तो घिसेगा ही नहीं, तो क्या किसी आदमी के ऊपर चढ़ा दोगे क्या? अगर किसी के छू गया तुम्हारा रिक्शा तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे दिमाग सही हो जाएगा। भैया लाइसेंस जोन बनवाए, लाइसेंस ना बचा, वो लाइसेंस तेरा एक एक मिनट में खत्म हो जाएगा, तब तो फिर बनवा ले आप। हाँ देखो स्टेशन चलना है, कितना किराया है? किराया हाँ, एक जने के 10 रुपया, दो जने के 5 रुपया। एक आदमी का 10 और दो आदमी का 5। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, बोल रहा है एक जने का 10 रुपए और 5 जने का 2, 5 जने 2 जने का 5। ये ऐसा ही बोलता है। एक बात कहूँ भैया, अगर आप परदे स्टेशन जाएंगे तो ये आपसे 10 रुपए ले लेगा। एक काम करते हैं, क्या मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, अरे तब ये हमसे 5 रुपए लेगा। तू इसकी बात समझा नहीं, देख हम यहाँ से जाएंगे, हम तुम हाँ, तो ये 5 रुपए ले लेगा, और जब तू वहां से वापस घर के लिए आएगा तो ये तुझसे 10 ले लेगा। बहुत होशियार है, 5 वो भी लेगा, 10 लेगा, 15 ले लेगा, बहुत चालाक है। रिक्शे वाले चोर भी होते हैं। अरे यार मैं वो रिक्शा वाले में रिक्शा वाला नहीं हूँ जो चोर चोर करता हूँ। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, तुमको नहीं कहते, अपना लटा आदमी समझो। वाह नहीं, तुम्हारे जैसे यार, अरे तुम्हारे जैसे बहुत रिक्शे वाले हो, क्या तुम ही एक रिक्शे वाले हो? दुनिया में तुम ही रिक्शा चलाते? नहीं नहीं, मेरे जैसा ना कहो। अच्छा ठीक है, बहुत रिक्शे वाले होंगे। हाँ बहुत साले होंगे, लेकिन हमारे साले जैसे। छोड़ो बातों से क्या फायदा, ये सामान इसके ऊपर ला दो, मेरा रिक्शा पे ला दो।
किसी तरह सामान ले जाओगे ईटा पाथर समझ के साले इसको पटक रहा है कर गए तू पलटी कर गया कि तेरा रिक्शा बे अरे हम पलटी करें रिक्शा पलट गया साले सीधी तरह से ला और कायदे से ले जा ये वाली पहले लागो ना बे ठीक है छोड़ता हूं अमृत भैया एक बात कहूं भैया कौन सी बात आप परदेश जाकर अपने इस अमृत को भूल नहीं जाना अरे अमृत तू कैसी बातें करता है भाई है तू मेरा भला मैं अपने छोटे भाई को कैसे भूल सकता हूं तेरे लिए ही तो परदेश जा रहा हूं कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और जो ये गरीबी है हमेशा के लिए दूर हो जाए भैया परदेश पहुंचते ही सबसे पहले एक खत भेज देना भैया हाँ अमृत वहां पहुंचते ही हम तुम सब लोगों के नाम पत्र जरूर भेजेंगे कौन डांटेगा आप हमें कौन समझाएगा भैया आपकी बहुत याद आएगी जो बताना है आज बताता हूं माँ का ख्याल रखना माँ बापू की खूब सेवा करना उन्हें यह एहसास ना हो कि मेरे दोनों बेटे नहीं हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि माँ और बापू को कोई तकलीफ हो नहीं नहीं भैया अच्छा। मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा भैया अच्छा जल्दी लौट कर आना भैया हाँ मैं हो सकेगा तो बहुत जल्द वापस आऊंगा अच्छा अमृत खुश रहे मेरे भाई खुश रहे जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले देखे इतना दर्द मुझको दिल को यूं तड़पाने वाले ना जा दिल तोड़ के ओ जाने वाले ओ इस तरह भेजेगा मुझे तू तेरी याद बहुत डर पाएगी अमृत